लेकिन मेमोस वन का, ओ मेमोस वन कह रहा हूँ, क्या कहते हैं भाई एक फिर से यूनाइट, कितनी यूनाइट इसके साथ ही भाई, क्या बैंड बजी, देखो देखो ये देखो ये देखो ये भाई 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 ये देखो कितनी जल्दी भाई मेल्ट कर दिया उसे यार, क्रसल मेल्ट कर दिया, आर यू किडिंग मी, अभी तो दो स्ट्राइक है मेरे तो, ये हाल है गाइस। सो हे पोकेमॉन्स, कैसे हैं आप लोग, आपसे स्वागत है एक और धमाकेदार एपिसोड पोकेमॉन यूनाइट गाइस, एसपी से खेलने जा रहे हैं आज। और सच बताऊँ देखो, जब ये नया नया आई थी तब मैंने इसका क्या कहते हैं साई शॉक और साई बीम के साथ खेल के दिखाया था, और मैंने दिखाया था कि भाई वो मूव सेट कितना ज़्यादा खतरनाक है कि सबको वो स्टन भी कर सकता है पूरी टीम को, अगर 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 वो पूरा कॉम्बो पड़ता है ठीक है। और उस समय फ्यूचर साइट एंड स्टोर पावर उतना अच्छा नहीं था, बट बफ हो चुका है, आप लोग कह रहे हैं कि बफ हो चुका है, प्लस प्लस खेल के दिखा दो उसके हाथों का। आज हम ऐसे कौन से खेलने आ रहे हैं, देखते हैं कि क्या कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है, कितना ज़्यादा खतरनाक है और कितना ज़्यादा हम दहशत मचा सकते हैं इस एसपीएन स्टोर पावर और मतलब न्यू स्टोर पावर अपडेटेड या बफ के बाद, कह सकते हो कुछ भी कह सकते हो आप ठीक है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मजा आने वाले, देखते हैं। और सेबल आई है सामने भाई, सेबल आई से पहले पहले जंगल खा लेना चाहिए, और अच्छी बात है कि सेबल आई ने हमारा जंगल इन्वेट नहीं करा है ठीक है, क्योंकि अगर वो इन्वेट कर लेता तो भाई बड़ी दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर स्टोर पावर लेने के बाद हम ऊपर टॉप रोटेशन देने आ रहे हैं, ऊपर बैंड बज रही है, लेकिन मेमोस वन गाइस बहुत अच्छा है, अरे डालेगा गोल्ड, डालेगा डाल गोल्ड, डाल 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 अपनी लास्ट डाल के जाए यहाँ पर। और तू कहाँ जा रहा है, इधर इधर तेरी ऐसी ऐसी। बाय द वे स्टोर पावर की जो खास बात है मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोर पावर 5 तक आपके क्या कहते हैं स्टोर होते जाते हैं, या तो आप बूस्टर अटैक मारो, बूस्टर अटैक इसका क्या है जो जो हेल्थ के नीचे पर्पल वाला वो है ठीक है, यानी कि बीम मारता है उसमें वो एसपीओन, या फिर हर एक सेकंड में स्टोर पावर होती जाएगी आपकी, ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी ठीक है। तो ऐसे इसकी स्टोर पावर बढ़ती है। और जब फ्यूचर साइट आ जाएगा, देखो फ्यूचर साइट का नाम लिया और आ गया, और उसमें गैस क्या होता है, फ्यूचर साइट आपकी जितनी एचपी रिमेनिंग, देखो कितना अच्छा मेमोस वन है भाई, देखो बीच में आके बचा रहा है वो, बीच में आके बचा लिया उसने मेरे को। तो फ्यूचर साइट क्या करता है, जितनी आपकी एचपी कम होगी उसकी मिसिंग परसेंट उसका डैमेज उतना करेगा ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है कि पहले फ्यूचर साइट मारो, फिर स्टोर पावर या साइब भी मारो, जो भी आपने जो पहले मूव उठा रखा है ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप देख सकते हो कि कूल डाउन कितनी जल्दी, फ्यूचर साइट कितनी जल्दी रिसेट हो गया ठीक है। फ्यूचर साइट आपके पहले मूव से भी कूल डाउन रिसेट होता है उसका, आपके बेसिक जो बूस्टर अटैक है उससे भी होता है, देख सकते हो कि आप हो रहा है ठीक है। तो गाइस पहले फ्यूचर साइट मारो, क्योंकि आप देखो कूल डाउन हो गया प्लस प्लस प्लस, अभी एचपी कम है, और उसके बाद फ्यूचर साइट छोड़ दो उस पर, उसका डैमेज देखो एकदम ही लगेगा, जितनी कम एचपी होगी उतना मिसिंग एचपी के हिसाब से परसेंटेज का डैमेज होता है। अरे इधर कैसे मार रहा है उसको गाइस, वो देखो एचपी देखिए स्लो ब्रो की कितनी जल्दी गई है इधर, और ये ले भाई देख रहे हो, ले ये ले ये ले, अब तो चाहे इसको मैं गाइस छोड़ के भी चले जाऊँ ना अपना मर जाएगा। और बाय द वे स्टोर पावर देख रहे हो जो अभी जस्ट हाईलाइट हुआ, इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों हो रहा है ये मैं बताता हूँ, जब भी फ्यूचर साइट किसी में पड़े ठीक है, और वो जो डिले होता है ना 2 सेकंड के डिले, लाइक वो थोड़ा जो बाद में फटता है, उसके फटने से पहले ही फ्यूचर साइट के होने से पहले ही अगर आप क्या कहते हैं मार दो, मतलब वो पोकेमॉन मर जाए वो पोकेमॉन सामने वाला जिसके फ्यूचर साइट लगा हुआ, तो आपका स्टोर पावर या दूसरा जो मूव है जो पहला मूव होगा वो बूस्ट हो जाएगा, लाइक मतलब जैसा भी 5 है ना स्टोर पावर वो 8 मारेगा ठीक है। अगर वो जो आपका पहले मूव है जो साई जो क्या कहते हैं साई शॉक है क्या कहते हैं उसका नाम मैं भूल गया, वो गैस एक मिनट भाई भागना पड़ेगा उसको, यूनाइट मार के बचता हूँ किसी तरह, चल निकल यहाँ से, तो ऐसे होगा ठीक है। अरे तूने मार कैसे दिया उसे, अब जा जा जा, अब तो तू मर के ही रहेगा, देखो देखो भाई साहब उसको उठा रहे भाई, पीछे आ जा पीछे आ जा पीछे आ जा पीछे आ जा, तेरे को बचाता हूँ एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा। और भाई मेमोस वन को हल्के में ले लेना चाहिए, जैसे ही उसकी एचपी कम होती है ना उसकी पैसिव ऑन हो जाती है, यानी कि उसका स्पेशल डिफेंस है। अरे कहाँ जा रहा हुआ ना, अभी स्टोर पावर बढ़ती तो 8 पड़ती, 5 से 8 हो जाती है, समथिंग इतनी हो जाती है ठीक है, बहुत पावरफुल है। तो फ्यूचर साइट पहले स्टोर पावर मारो, फिर दोबारा फ्यूचर साइट मार दो, जिससे कि वो बंदा अगर वो भाग के भी जा रहा होगा उसके एचपी होंगे तो वो उसका काम था हमें। और स्लो ब्रो बेचारा क्यों आया था फिर से, मुझे समझ नहीं आ रहा, अरे यहाँ पर तो चुप के बैठा है इधर, ये ले चल निकल, नहीं देखा मर गया, बजा बच नहीं सकता वो। और यहाँ पे हमारा ग्रेनिंजा छोड़ के चला गया था, आई होप ग्रेनिंजा अगर छोड़ के ना गया होता, मतलब वहाँ मर गया था उसका दोबारा जल्दी आ जाता तो अब तक हम मेल्ट कर सकते, आई होप अब मेल्ट कर दे, क्योंकि भाई हमें तो रोटम तो चाहिए। और नीचे ओ हमारे पास मिस्टर माइम भी है, डे हमें तो पता ही नहीं चला, मिस्टर माइम नीचे के नीचे ही, और गार्चम भी नीचे के नीचे ही है। और भाई कैसे एक्सपी डाउन करके आ रहा है इधर, मैं बचाता हूँ। और हाँ फ्यूचर साइट जिस पे लगाओ, जिस पे लगाओ अगर हमारे एरिया के अंदर है, जिस पे फ्यूचर साइट लगाओ अगर हमारे एरिया के अंदर है तो हमारी स्टोर पावर उस पे जाके लगेगी, अगर फ्यूचर साइट नहीं लगा हुआ तो स्टोर पावर रैंडमली पोकेमॉन को जाके लगती है, ये ध्यान देने वाली बात है ठीक है। तो पहले तो फ्यूचर साइट मारो, अब इस पे तो जाके लगेगी, उसी पे लगेगी वो ठीक है। अरे भाई 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 सीधा इसने मार दिया, भग जाओ भग जाओ भग जाओ भाई, सर बता रहा हूँ अभी तक इसे खेलते हो ना सही लग रहा है मेरे को, मतलब
काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फ्यूचर स्टार्ट मारो, शोर पावर मारो। बाय द वे, शोर पावर से आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, सामने वाले की मूवमेंट स्पीड गिर जाती है जिसको भी लगता है क्योंकि टच हो चुका है। भाई मैमस वन तो बहुत तगड़ा खेल रहा है, मैमस वन हैवी यार, बहुत ओपी पोकेमोन है। टूर्नामेंट में तो ऐसे लोग खेलते हैं उससे, लिटरली खेलते हैं। हमें मुझे भी याद है कि जब हमने क्या कहते हैं, हमने वो टूर्नामेंट खेला था 10 लाख रुपए का, जो कि मेरे को भाई रैंडमली खेलना पड़ गया था, कोई उसका वो नहीं था भाई, बड़ा प्रेशर था उसको। तो उस समय मैमस सॉरी का, तो उस समय मैमस वाइन की बहुत डिमांड थी, हर आप देख सकते हो हर जगह मैमस वाइन मैमस मैमस। भाई रुकना पड़ेगा भाई, नहीं हो रहा ना, तो फीचर स्टार्ट लगा ना कुछ लगा। अब लो भाई उसने यूनिट मार दी, उस पर गिरे नहीं जगह, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई। अभी देख सकते हो मेरे पे स्टोर पावर नहीं थी, तो कितनी कितने कम स्टोर वो निकल रही थी, कितना कम। अगर आपको स्टोर पावर नहीं है तो गाइस प्लीज़ 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 मैमस वाइन वो देखो उसको यार, अकेले मेल्ट करने में लगा पड़ा है, अकेले मेल्ट करने में लगा पड़ा है भाई। सही है यार, कोई आके स्टील कर ले तो वो शायद रिसेट भी हो गया भाई। कैसा ओके आ रहा है ये, अरे कहाँ जा रहा है, इधर इसकी स्पीड गिर जाएगी। अरे ये ले, अभी देखना गैस, एक बार मेरे को मौका मिल जाए भाई। करोसल में नहीं भाग पाए, देख सकते हो अपनी ऑन करके वो स्पीड से भागा था। ओके इनको मिल गया, अपनी स्पीड ऑन करके भागा था वो। ओ भाई 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 ये घास आ गया, और देख सकते हो कि घास में छुपा था तो मेरा स्टोर पावर उस पर नहीं लगा, जबकि मेरा फ्यूचर साइड उस पर लगा हुआ था। वो यूनिट मार दी सबको पड़ी है। ओके 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 एक मिनट गैस, ये खा चल निकल, अब तो जाएंगे, आ जा तू भी आ जा हवा में। इसकी बाय द वे यूनाइट है ना बहुत ओपी है, लिटरली बहुत। आई होप ये डाल पाए जल्दी से, प्लीज़ 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 खड़े रहना खड़े रहना। और हाँ मैं खेल रहा हूँ स्टैक बिल्ड, अभी तक देख सकते हो किसी मैंने 2 स्टैक करे हैं और फिर भी इतनी जल्दी मेल्ट हो रहा है। सोचो जस्ट इमेजिन कि अगर सारे वो हो जाएँ, सारे के सारे फिर स्टैक हो जाएँ, तो स्टैक में क्या कर रहा हूँ मैं, वाइस ग्लासेस, स्पेशल अटैक ग्लासेस, और ये आपका चॉइस पैक्स खेल सकते हो आप, या भी शेल बैल खेल सकते हो। वैसे मैं वाइस ग्लासेस, स्पेशल अटैक ग्लासेस और चॉइस पैक्स ही खेल रहा हूँ। हाँ जहाँ तक मुझे याद है कि मैं फुल अटैक बिल्ड खेल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको बिल्ड ट्राई करता हूँ। मैं सोचा कि पूरा ही अगर अटैक खेल के देखूँ। और एम्बलम्स, एम्बलम्स क्या है, एम्बलम्स मैं आपको बता देता हूँ कि वाइट वाले हैं प्लस मतलब वो जो वाइट नहीं कह रहा हूँ वो ब्लैक वाले एम्बलम्स वाले हैं, जैसे कि कूलडाउन मिलता है, प्लस ग्रीन वाले हैं, ठीक है, मतलब स्पेशल अटैक और कूलडाउन वाले, ठीक है, ये वाले खेल रहा हूँ। और स्पेशल अटैकर पर यही एम्बलम्स खेला करो, सही बताऊँ सबसे। ओके भाई इसको देखते हैं भाई, भूत भर गया इसका, एक बार एच पी चलेगी उसकी तो एक बार में लोल भाई। वैसे इसकी खुशी होता है उसके होता है एक जो बैंड बजी ना उसकी, अगर फ्यूचर साइट फटने से पहले बंदा मर जाए तो स्टोर पावर गैस इतना ज़बरदस्त निकलेगा ना, लाइक 8 निकलेंगी, 8 रेस जाके जिसमें लगी ना। जी जी ओके यहाँ पे मार दी भाई, गार्चों भी अच्छा खेल रहा है। लेकिन मैमस वाइन का, ओ मैमस वाइन कह रहा हूँ क्या कहते हैं भाई, एक फिर से यूनाइट, कितनी यूनाइट है इसके साथ भाई, क्या बैंड बजी है, देखो देखो ये देखो ये देखो ये भाई 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 भाई, भाई ये देखो कितनी जल्दी भाई मेल्ट कर दिया उसे यार, क्रसल मेल्ट कर दिया। आर यू किडिंग मी, अभी तो 2 स्टैग है मेरे, तो ये हाल है गैस। डैम देखो 3, अभी आ जा आ जा इधर यार, इससे पंगे नहीं लूँगा, क्योंकि पता क्या है स्टोर पावर दिखाने के चक्कर में अगर मर मर आ गया ना, देखो रेगुजा सही टाइम पर मैं पीछे हट गया, मैंने टाइम पर ध्यान भी नहीं दिया। अगर कोई कूद के आएगा तो मैं फ्यूचर साइट स्टोर पावर मार के, अगर मेरे पे चढ़ता तो ओके ही आया। इधर आ तेरी ऐसी तैसी भाई, वो देख रहे हो एचपी देख रहे हो करसल कैसे मेल्ट हो रहा है, डैम ओपी। अब भाई नीचे का छोड़ के आ गया नीचे भाई, 50 50 50 नीचे जाओ जल्दी से। ओके गाइस मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि हमें ह्यूज लेटा और अभी कोई रिगर्सल लेने वाला नहीं है। ओ ये मुड़ के फिर आ गया, अरे जा भाई डैम, करसल खुद ही अपनी मौत में आ गया, कह रहा क्यों आ गया। देख सकते हो फ्यूचर साइट फटने से पहले बंदा मर गया तो मेरा स्टोर पावर का वो एक बफ वाला पार्ट आ जाता है। अरे इधर आ जा, अरे ये ले भाई गया, बस एक स्टोर पावर मारना उसको, अरे बचा तो नहीं रहा है। अरे ये रहा, कुछ यूनिट चला दी तेरी भैंस की आँख, मर गया और हमें मिल चुका है मिस्टर माइम ने लिया। मिस्टर माइम पूरी गेम में पता ही बताऊँ बॉटम से आया ही नहीं, टॉप तो आया ही नहीं, मिड ही आया है, अभी वो भी रेकर्स ऑफ फाइट के लिए, और सारे बंदे तुमने पहले मार देता। पकड़ ले हाँ, पकड़ 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 मिस्टर माइम को पकड़। ओके आप देख सकते हो गैस बात है, मैं यूनाइट भी मार सकता हूँ, बट मैं सबसे पहले गोल्ड डाल लूँ, अगर मैं यूनाइट मारूँ तो सारे गोल्ड डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। ओके डाल दे, डल कह सकते हैं, और देखते हैं भाई ख़त्म भाई ख़त्म भाई, इनका कुछ नहीं होने वाला है। एस पी एन लिटरली ओपी हो चुकी है, फ्यूचर साइड सुपर पावर लिटरली ओपी हो चुका है सीरियसली। और यहाँ पे मैं इनको देखता हूँ ज़रा, कुछ और पॉइंट कमा लेते हैं, कुछ और जमा कर लेते हैं, फिर डाल देते हैं ना, क्या ही करेंगे जाके वापस। और ये लो पुम, फ्यूचर साइड को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हल्का सा बफ और हो जाए, थोड़ा सा बफ और हो जाए भाई। एक रसल आगे भागो 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 भागो, डैम नहीं
भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ है पूरा गिलसा पड़ा है, गोल डालने आया था तू? लोल स्केच भी देख रहे हो? आ जा आ जा, जा ये ले, अब जा मौत ले जा, तेरे को आज़ाद कर दिया तेरी जिंदगी से। भाई साहब करसल का तो रुला रखा है। ओ 1614 भी हो गया, बस पता नहीं चला 1614 हो चुका है। टाइम बॉय, अब देखते हैं नीचे आते हैं। और मैं बस ने बहुत अच्छा खेला, लिटरली मैं बस मैंने जैसे खेलना चाहिए डिफेंडर ऐसा, उसने बहुत अच्छा खेला है। मैं बस मैंने बहुत अच्छा खेला है। हमारे शुमाइन को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। और हमारे घरे निंजा, उसने जंगल लिया ही नहीं था, मैं सोचा जंगल, मैंने बोला टॉप पे जाऊंगा, उसने जंगल छोड़ दिया। 1614 और 13 और 17 और भाई 1,00,000 का डैमेज आराम से हो गया, 1,00,000 का डैमेज। शिट मैन, ये तो लाइक लिटरली एसपीएन बहुत ज़्यादा ओपी कर दी, 1,00,000 का डैमेज हो गया, देख सकते हो आप। मिस्टर माइम और उसने क्या करा, मिस्टर माइम सीरियसली कुछ नहीं करा मिस्टर माइम ने भाई, मिस्टर माइम से इस मतलब मिस्टर माइम 80-90,000 डैमेज कर देता है, इतना ज़्यादा अकेला मेल्ट कर देता भाई। खैर कोई नहीं, देखता हूँ इसने कितना खेला। ओके भाई न्यू प्लेयर है, और मेन मिस्टर माइम इसका, व्हाट द हेल। अच्छा 61 ही तो खेला था, घंटा मेन होगा इसका। और ये भाई साहब काना, अच्छा उसने खुद ही जंगल छोड़ दिया क्योंकि मैं टॉप जा रहा था, तो इसने बोला कि इसने जंगल बोला ही नहीं तो मैं जाके। और गार्चम, गार्चम के लिए तो गाइस वैसे भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो गार्चम खेलता था भाई उसके लिए तो रिस्पेक्ट है। 92,000 डैमेज करा भाई गार्चम ने, भाई नीचे बॉटम में बड़ी फाइट लिया इसने। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट्स में बताना, और जिन्हें लाइक नहीं लाइक करना मेरे चैनल पर, नए सब्सक्राइब करना, इसी सबसे आगे लेता। एडियोस, टेक केयर, शब्बा खैर एंड पीस आउट।